हाँ तो दोस्तों, एक और अनबॉक्सिंग मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Redmi Earbuds 2C की अनबॉक्सिंग के बारे में। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रोहित, आप देख रहे हैं टेक मिनट। और दोस्तों, इस चैनल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उससे अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फटाफट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो हमें यहाँ पर Redmi Earbuds 2C स्लीक एंड स्टाइलिश डिजाइन में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे Xiaomi की तरफ से। तो दोस्तों, इसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा अप टू 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम, वर्क विद वॉइस असिस्टेंट, और इसी के अलावा IPX4 स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ का हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर Redmi Earbuds 2C की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बॉक्स के पीछे कुछ डिटेल्स दी गई है जिसके अंदर हमें यहाँ पर प्राइसिंग देखने को मिलती है 1999, मतलब 2000 रुपए हमें यहाँ पर इसके देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के अलावा ये हमें मार्केट में हमें देखने को मिलेगा 1300 रुपए का, और ऑनलाइन सेल पे भी हमें 1300 रुपए का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं सील को ब्रेक एंड फिर बात करते हैं Redmi Earbuds 2C के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी सील ब्रेक कर ली है। और दोस्तों, इसे हम फटाफट निकालते हैं बाहर और बताता हूँ फटाफट इसके बारे में सारे डिटेल्स। बॉक्स ओपन करते ही हमें यहाँ पर हमारा डिवाइस यहाँ पर हमें रखा हुआ देखने को मिल जाता है। बॉक्स को साइड कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इसके अंदर पैक्ड आता है, जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे। तो जैसे दोस्तों ये देख ही पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक डिवाइस यहाँ पर आता है Redmi में, और ये दोस्तों प्लास्टिक केस के अंदर हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और इसी के बैक साइड में हमें यहाँ पर माइक्रो यूएसबी चार्जर हमें यहाँ पर पोर्ट देखने को मिलता है यहाँ से चार्ज करने के लिए, जिसे हम कंपनी कहते हैं कि 5 एम्पीयर तक के चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो बहुत ही टिपिकल मैट फिनिशिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, ज्यादा इसे कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी के साथ इसी के अंदर से यहाँ पर हमें ईयर टिप्स, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है हमारे कान में एडजस्ट करने के लिए इनको। और इसी के अलावा एक यूजर मैनुअल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें डायरेक्शंस मिलती है कि इस ईयरबड्स को कैसे यूज करना है। छोड़ो, क्या पढ़ना है इसका। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके फीचर्स की, कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं इस बॉक्स की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, नीचे बॉटम में यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। तो दोस्तों, ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को। बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पर सामने देखने को मिल जाते हैं हमारे रखे हुए Earbuds 2C, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो इसका फर्स्ट लुक। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं केस के अंदर, और यहीं पर इसके मैग्नेटिक पोर्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दोनों बड्स में। ये लाइट वेट बहुत ही ज्यादा है, और हमें यहाँ पर 300 mAh की बैटरी इसके अंदर केस के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं कंटिन्यू यहाँ पर चलाता हूँ तो इनसे 3.5 घंटे से 3 घंटे इसके 100 वॉल्यूम म्यूजिक पे हमें यहाँ पर 3 से 3.5 घंटे का यहाँ पर बैकअप देखने को मिलने वाला है। पहले हम यहाँ पर इसके बटन फंक्शंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर बटन फंक्शंस में यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सिंगल क्लिक के अंदर हमें हमारा जो म्यूजिक है वो प्ले और पॉज हो जाएगा। इसी के अलावा लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे सीरी या फिर वॉइस कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसी के अलावा अगर किसी का फोन आ रहा होता है तो हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्लिक करना पड़ता है और हमारा फोन रिसीव हो जाता है। और दोस्तों, किसी का फोन अगर आ रहा तो अगर हमें उसका फोन डिस्कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पर प्रेस करके रखना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए, वो फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाए। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें यहाँ पर 4 से 5 हमें यहाँ पर बटन के जो वर्क है वो देखने को मिलने वाले। और दोस्तों, ये सारे फंक्शंस हमें देखने को मिलेंगे दोनों बड्स के अंदर। अगर इस वाले साइड को प्रेस करेंगे तो भी वही सेम वर्क होगा, और इस वाले साइड में तब भी सेम वर्क होगा। यहाँ पर दोस्तों, आपको ट्रैक को फॉरवर्ड करने का या फिर बैकवर्ड करने का ऑप्शन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इसके कनेक्शन क्वालिटी की। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 मीटर बिना किसी ऑब्स्टिकल के, मतलब बिना किसी दीवार के, किसी स्टेगल के, हम इसे 10 मीटर के अंदर इसे इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे मैंने यूज किया यहाँ पर घर पे बैठ के, तो यहाँ पर एक दीवार के अंदर अगर हम पार करते हैं तो यहाँ इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सारे फंक्शंस इजीली वर्क करते हैं, म्यूजिक इजीली वर्क करता है, और कॉल भी सारी अच्छे से अटेंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, दूसरी दीवार अगर आ जाती है तो वहां पर आवाज कटने लगती है, कनेक्शन लूज होने लगता है, बीच बीच में लूज हो भी जाता है, और मे बी कनेक्ट भी नहीं होता दो दीवार के बाद, लेकिन एक दीवार के बाद कोई प्रॉब्लम देखने को मुझे नहीं मिली। वही मैं बात करूँ रियलमी बड्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर मेरे घर के अंदर अगर कनेक्ट है तो फोन अगर एक साइड में है तो मेरी 2 से 3 दीवार इजीली क्रॉस हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे को इसमें ये ज्यादा मुझे बेटर लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात आती है। घर की अगर मैं बात करूँ तो हमें फोन को हमारे पास रखना पड़ेगा, अदरवाइज बड्स जो हमारे रेडमी वाले हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कॉम्पिटिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर रियलमी जो है वो ज्यादा बेटर मुझे यहाँ पर देखने को मिला। और दोस्तों, यहाँ पर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों, हमें रेडमी के जो ईयरबड्स है इनके अंदर हमें सॉफ्टनेस हमें यहाँ पर महसूस होती है।
होती है कि जैसे कि मैंने ये वाले जो ईयरबड्स हैं ये मैं पिछले 7 से 8 महीनों से यूज कर रहा हूँ, और दोस्तों इसके अंदर ट्रिबल ज्यादा है और बेस भी एवरेज है, जैसे कि मुझे पता ही है कि कैसे वर्क करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो मिठास जो है गाने में, सॉफ्टनेस है, वो रेडमी में मुझे देखने को मिली, लेकिन आवाज मुझे रियलमी से थोड़ा सा कम देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम है, बहुत अच्छा साउंड इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो सॉफ्टनेस है ना वो मुझे इसके अंदर ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू रियलमी ईयरबड्स के। मुझे रेडमी के ईयरबड्स ज्यादा पसंद आए। और दोस्तों यहाँ पर हम एक्सरसाइज की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों हमें भागते हुए या रनिंग करते हुए आउटसाइड में मैंने ट्राई किया, और दोस्तों इनको गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम रनिंग करते हुए और एक्सरसाइज करते हुए जिम में कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल हमारे ईयर से अनप्लग बिल्कुल नहीं होते हैं, गिरने का कोई चांस इसके अंदर हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। मैंने अच्छे से पूरा हिला के देख लिया लेकिन ये बिल्कुल कहीं नहीं गिरते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस की। दोस्तों यहाँ पर हमें अगर हम किसी सराउंड एरिया के अंदर हैं, बाहर हैं, तो हमें वहां पर नॉइस की जो आवाज है वो क्लियर सुनाई देती है सामने वाले बंदे को। अगर सामने से कोई बात भी कर रहा होगा तो उसकी आवाजें बिल्कुल कैच कर लेता है। नॉइस कैंसिलेशन का इसके अंदर हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, ना ही सॉफ्टवेयर में ना ही हार्डवेयर में। फिजिकली की अगर हम बात करें तो घर के अंदर है या किसी कमरे के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आवाज बिल्कुल क्लियर जाती है। अकेले होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर सराउंडिंग में अगर लोग हैं तो उनकी आवाज क्लियर जाती है, बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। ट्रैफिक एरिया में हमें इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, सामने वाले को हमारी आवाज ना सुनाई दे। बात करें इसके यूजेस की तो दोस्तों यहाँ पर अगर गेम्स की लेटेंसी टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर हमें लेटेंसी देखने को मिलती है 0.1 सेकंड की। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर हमें हल्की सी लेटेंसी देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम म्यूजिक प्लेबैक की बात करें तो वहां पर ये बिल्कुल ऑसम वर्क करते हैं। म्यूजिक से रिलेटेड हमें इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो Redmi Earbuds 2C की अनबॉक्सिंग, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही फर्दर वीडियोस पाने के लिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।